वेलकम टू दी चैनल कैसी चल रही है आपकी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं ब्लॉक वाइज आपको मैं आ, प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर लिंक है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं एक आज ब्लॉक सेवन की एक पोइट्री करने वाले हैं शर्ली जी क्लिन की पेंटॉन फॉर चाइनीज वीमेन तो आइए समझते हैं इस पोइट्री के टाइटल का और पोइट्री का क्या एनालिसिस है क्या मतलब है किस तरीके का ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है यह पूरी प्लेलिस्ट आपको कलोनियलिज्म के बारे में भी जानना चाहिए किस तरीके से कॉलोनियलिज्म uh, आया था अमेरिका में उसके बाद ट्रांसेंडेंटलिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बहुत फ्रीक्वेंट आता है आपके एग्जाम में अच्छा ऐसे क्वेश्चन है एंड आफ्टर दैट आई कवर्ड ऑल द मेजर पोयवाइज यू कैन ग्रैप दी डी एफ फॉर ऑल दी सब्जेक्ट इमेजी वन से लेकर इलेवन तक के लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है आप काफी फ्यूचर में इस वीडियो को देखें और बाकी सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ भी अवेलेबल हो सेवेंटीन की है एटीन की पीडीएफ में बहुत ही जल्दी आपके अपकमिंग एग्जाम से पहले एड करने वाली हूँ एंड टू ग्राफ दी डी एफ यू कैन कनेक्ट एट दिस श्योली जी क्लन लम जी के बारे में बात करते हैं बॉर्न इन मलेशिया बट लेटर ऑन मूव टू अमेरिका सुबह नेशनैलिटी अपनी पोइट्री के लिए फिक्शन के लिए पोइट्री प्राइज डेब्यू पोइट्री कलेक्शन क्रॉसिंग दरिन सु आपको याद रखना है उनके इंट्रोडक्शन में जरूर लिखिए इट विल गिव अज टू योर आंसर जब आप एग्जामिनर को बताते हैं ना कि यू नो बियॉन्ड दी वर्ड्स ऑफ द पोएट्री और यू नो बियॉन्ड सम कन्वेंशनल नॉलेज बहुत ज्यादा भी नहीं शो ऑफ करना है लेकिन एक बेसिक नॉलेज बियॉन्ड दी टॉपिक होना जरूरी है टॉपिक की इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप में से किसी ने ब्लूए स्टाई पढ़ी है तो शर्ली टेम्पल जी को जरूर जानते होंगे पेकोला नाम की जो हमारी कैरेक्टर थी ब्लूएसाई में शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस Actor, this beautiful actor, Shirley Temple. Shirley Temple was very much liked by Lamb's father also, and that is why inka naam Shirley rakha gaya tha Pentom for Chinese women title का क्या मतलब है? वो भी हम समझेंगे. अभी उसके बारे में confuse मत होइए. पहले poetry का introduction देख लीजिए. 1985 की एक collection में ये poetry published हुई थी, और उस collection का नाम था No Man's Grove. तो ये आपको याद रखना है बहुत सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए और आपके काम आएंगे एग्जाम में और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाती हैं टू डिस्क्राइब बियॉन्ड कन्वेंशनल नॉलेज बाद में 1989 की एक एंथोलॉजी में भी पब्लिश हुई थी अगर ये याद रहता है तो ये भी याद रखिए अदरवाइज दिस मच नॉलेज इज मोर देन इनफ कब और कहाँ सबसे पहले पब्लिश हुई है इस वर्ड के बहुत से और फॉर्म्स अवेलेबल हैं पेंटॉम पेंटॉन और पेंटून बट द मीनिंग इज मोरस सेम पेंटोम पेंटॉम का मतलब समझते हैं इट इज अ मलेशियन पोइट्री फॉर्म शॉर्ट फॉक की फॉर्म में होती है ये पोइट्री और जनरली ए बी ए बी राइमिंग स्कीम होती है मैंने आपको फाइव फाइव लाइन्स एक साथ करवाई हैं तो ये राइमिंग स्कीम आपको ज्यादा नजर नहीं आएगी फिर भी हम इसी राइमिंग स्कीम को ढूंढेंगे जनरली जेनरलीकेंड एंड फोर्थ लाइन ऑफ ईच स्टेंजा रिपीट होती हैं और रिपिटेशन बहुत होती है पेन में चाहे इस ऑफिशियल फॉर्म में ना हो लेकिन एम्फेसाइज करने के लिए अपने कुछ पॉइंट्स को एम्फेसाइज करने के लिए बहुत रिपिटेशन होती है सो दिस इज रिटन फॉर चाइनीज टाइटल से इतना तो हम समझ चुके हैं एपीग्राफ में हमें और समझ में आ जाएगा एपीग्राफ इनिशियल बिगिनिंग इंट्रोडक्ट्री लाइन ऑफ समथिंग एट प्रेजेंट द फिन ऑफ बुचरिंग ड्राउनिंग एंड लिविंग टू डाई फीमेल इन्फेंट्स हार्क बीन वेरी सीरियस और ये किसी न्यूज पेपर की एक हेडलाइन शो की गई है पेकिंग न्यूज पेपर मार्च थर्ड नाइनटीन एटी थ्री एपीग्राफ विथ विच दोम ओपन्स पूरी पोइट्री की टोन को सेट कर रहा है सोशल प्रॉब्लम को दिखा रहा है कि किस तरीके से फीमेल चाइल्ड को पैदा होते ही जेनरली मार दिया जाता है शॉकिंग टू सी कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है और कंट्रीज में भी है द न्यूज लाइन एक्सट्रैक्टेड टू फॉर्म द एपिग्राफ ऑफ दिस पोम इज वेरी स्टार्टलिंग वेरी शॉकिंग इन इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स बुचरिंग ड्रॉनिंग एंड लिविंग टू डाई कैन वी इवन इमेजिन हमें से कई लोग सोच भी नहीं पाएंगे किसी को मारने के बारे में सभी लोग नहीं सोच पाएंगे कभी uh, कुछ तो क्या दे फोर वी आर यू नो आफ्टर रीडिंग दिस एपीग्रैफ वी आर प्रिपेयर टू रीड समथिंग रिलेटेड टू दिस न्यूज क्लिप अब हमें पता चलता है कि टोन क्या रहेगी पोइट्री की वी आर प्रिपेयर फॉर द टोन ऑफ लॉस एंड द टोन ऑफ मोर्निंग टोन ऑफ यू नो Uh, cyclical of these kind of heinous crimes. तो कहीं ना कहीं ये टाइटल ही हमें हम पोइट्री को पढ़ने के लिए टू माउथ इज नो गुड इन द स्लिप्टी वेट अलो स्पेस स्मूथ गमिंग एक्इंग वाइट फॉर फूड नो वर माई मैन इज नॉट हि एट ह्लेस आपको करवाने के लिए जब हम टू माउथ्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल वन इज द एक्चुअल माउथ ऑफ द गर्ल एंड वन इज द गर्ल नेटर ऑफ द पोम अपियस टू बी द मादर ऑफ द न्यू बॉर्न इनफेंट बेटर टू से न्यू बॉर्न गर्ल the phrase a child with two mouths refers to the girl's genitalia and her mouth through which she cries for food and ki a girl with two mouths a child with two mouths is not good so that means a girl child is not good that is a double burden on parents Ek toh, like a normal child she will need food and otherwise also she will need so many things and

नो लेटेस्ट गो फॉर द फोदर लाइन्स अब हम सिक्स टू टेन लाइन्स कवर करने वाले हैंड नो वर माई मार इज नॉट हेयर एट हज प्लेस ही इज डिगिंग फॉर द्रैगन जार ऑफ सूट यानि की गर्ल के फादर अपने प्लेस पर नहीं है कुछ डिग करें द प्लेस टू बारी द गर्ल किसी जार में गर्ल को बारी कर दिया जाएगा द स्लेट नेरोली शीथेड विद इन इट्स हु हिज मदर स्कोटिंग कव्स बाय द फायर अब्लेस तो हमारे स्पीकर की मदर इन लॉ हिज मदर यानी कि फादर की मदर वो आराम से फायर के पास बैठी हैं और देखिए कितनी सारी लाइन्स रिपीट हो रही हैं नो वंडर माई मैन इज नॉट है तो द फीमेल फीमेल कह रही है कि आई एम नॉट वरीड एट ऑल आई एम नॉट वंडरिंग एट ऑल बेसिकली कि गर्ल के फादर अपने घर पर नहीं है वो कहीं ना कहीं डिगिंग कर रहे होंगे इट शून टू बी अ वेरी नॉर्मल एंड रेगुलर टास्क हो सकता है पहले से जब भी गर्ल चाइल्ड पैदा होती हो इसी रिचुअल को फॉलो किया जाता है कि उनको एक जार में डालकर बारी कर दिया जाएगा हाउ इन ह्यूमन एंड हिज मदर सिटिंग एंड रिलैक्सिंग नियर बाय फायर स्लिप्ट नैरोली शीथेड विद इट्स हुड कि एक्सप्लेन किया गया है कि एक गर्ल जो है ना अपने ही हुड के साथ पैदा होती है यानी कि अपने लिए ही एक गर्ल पॉइजनस होती है इफ समवन इज बोर्न अट अ गर्ल समवन इज हर ओन एनिमी व्हाइल ही डिक्स फॉर द ड्रैगन चॉ ऑफ सूट वी हैड सेव्ड एशेस फॉर 100 डेज यानी कि लगभग सौ दिनों से प्रिपरेशन चल रही थी कि अगर गर्ल चाइल्ड होगी तो बस चाय में डालकर बरी कर दिया जाएगा जार के अंदर एशेस जमा की जा रही थी गर्ल को कंफर्ट देना है ना जार के अंदर नहीं तो गर्ल विल बी ट्रबल्ड गर्ल विल नॉट बी ट्रबल्ड अगर उसको बरी कर दिया जाएगा लेकिन जार के अंदर कंफर्टेबली बिठाना है दैट इज द रिचुअल सो वी आर फॉलोइंग जस्ट द रिचुअल्स मदर स्क्वेटिंग कव्स बाय द फायर ए ब्लेस देखिए लाइन्स रिपीट की जाती है पेंटॉन पोइट्री में चाइल्ड किक करा माधर को मदर के लिए तो चाइल्ड चाइल्ड ही है और चाइल्ड के किक करने की और चाइल्ड के रोने की आवाज मादर को मेलोडियस लग रही है लाइक लाइक अ फ्लूट एंड शी इज अगेन रिपीटिंग की हम इस दिन की तैयारी हंड्रेड डेज से कर रहे थे नोइंग टाइम केम दैट वी वुड तो ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली को पता था बहुत अच्छे से कि ऐसा वक्त आ सकता है उसके लिए हमेशा गड्ढा खोद कर रखा जाता है the child kicks against me crying like a flute through its two weak mouths his mother prays अब उनकी मदर प्रे कर रही और उनके भी दो माउथ हैं right? तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि बाकी सभी फीमेल्स जो है ना वो भी वैसी ही हैं उनकी भी बॉडीली स्ट्रक्चर वैसी ही है जैसी कि इस न्यूबॉर्न गर्ल की है जिसको बरी किया जा रहा है एक आराम से बैठी है और देख रही है एक जो कि मदर एनल है वो आराम से बैठी है मदर को थोड़ी सी टेंशन है बट शी की स्ट्रक्चर एक जैसी ही है तो अ फीमेल इज द एनिमी ऑफ द फीमेल यहां पर प्रूव हो जाता है लाइन्स रिपीट की गई हैं थ्रू हर टू वीक माउथ मादर प्रेस मादर प्रे करिए उनके भी दो ही

बच्चे के पैदा होने पर शायद रूस्टर से रिलेटेड कोई रिचुअल्स की जाती हैं लेकिन यहाँ तो गर्ल चाइल्ड पैदा हुई है तो उसके लिए कोई रिचुअल्स नहीं की जाएंगी द लाइन्स फॉर ब्रोकन क्ले ब्रोकन क्ले इज नेवर सेट इन क्लेस कंटिन्यूज द मेटाफर सजेस्टिंग दैट द चाइल्ड बच्चा लाइक अ ब्रोकन क्ले नॉट बी फिक्सड सेव्ड जैसे कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है और उसको फिर से बिल्कुल उसी फॉर्म में तो फिक्स नहीं किया जा सकता उसी तरीके से द ब्रोकन क्ले नेवर बच्चे के लिए यूज किया जा रहा है कि तो बच्चा इज अबाउट टू तो बी ब्रोकन नाउ फीमेल्स फीमेल्स को तो आप कहीं भी एडजस्ट कर दीजिए दे आर लाइक वॉटर रिवर्स एंड वुड जिस बर्तन में डालेंगे जैसा आप ठोकेंगे पीटेंगे बजाएंगे वैसा शेप ले लेंगी फीमेल्स एक वुड को शेप दिया जाता है अलग अलग तरीके का सैंड को आप किसी भी तरीके के शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं रिवर दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर जिस बर्तन में डालते हैं वही शेप आ जाती है और विमेन uh, को दिखाया गया है कि दे आर हेल्पलेस दे आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग अगेंस्ट दी सो ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी दे आर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट

बरी करना है जल्दी से जल्दी से जल्दी से बरी करना है बच्चे को अब एंड इज ट्राइंग टू एक्ट क्विकली बट हिज एक्शन टू द लाइफ ऑफ द द अर्लियर मेटर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी सॉफ्ट एंड ईजीली शेप्ड बाई ट्रेडिशंस विच मेक्स देम पावरलेस बिल्कुल कोई पावर कोई रोल नहीं होता फीमेल्स का एंड द फ्रेज मिल्क सोक्स द बेडिंग ये फ्रेज है ना मिल्क सोक्स द बेडिंग आई कैन नॉट बेयर द वेस्ट एक्सप्रेसेस द मदर सैडनेस मदर उदास है और रिग्रेट कर रही है ओवर द चाइल्ड्स फेट विद मिल्क सिंपलाइजिंग द नॉरिशमेंट जो कि बच्चे को दी जा सकती थी लेकिन अब वो नॉरिशमेंट वेस्ट हो जाएगी हस्बैंड की लाइन्स रिपीट की गई हैं और हस्बैंड अब वो रिचुअल फॉलो करने को कह रहे हैं कि बच्चे को अब क्लीन करो अब उनको उस छोटे से बच्चे को इस जार में सूट के अंदर बैठाना है या लटाना है इमोशनली डिटैच मिल्क सोक्स और बेडिंग आई कैनॉट बेर द वेस्ट वही लाइन्स रिपीट है एंड टू लाइन्स में दे से अ चाइल्ड विथ टू माउथ इज नॉट गुड ये हमने पहले भी पढ़ा था जब टू माउथ्स की बात की गई है तो जेनिटल uh, पार्ट्स की बात की गई है प्लस एक्चुअल माउथ की बात की गई है एंड दैट रिप्रेजेंट्स द गर्ल गर्ल इज जस्ट कंसीडर्ड टू बी अ बर्डन अब देखते हैं थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे-कैसे हो सकते हैं डायरेक्ट आपको या तो लिखा जा सकता है कि थीम्स के बारे में बताइए या फिर कोई पर्टिकुलर थीम फीमेल इन्फेंटिसाइड कैसे वर्क करता है इस पोइट्री में जेंडर इनिकवालिटी तो पूरी पोइट्री में क्या हो रहा है किस तरीके से एक गर्ल चाइल्ड को जा में डालकर बड़ी करने की रिचुअल uh, रिचुअल कहना गलत ही हो जाएगा वैसे तो रिचुअल इज समथिंग डन फॉर गुड कॉज प्रोसेस होने वाली है फीमेल को फीमेल अगर बॉर्न हुई है तो उसको ह्यूमन समझा ही नहीं जा रहा है मदर ने भी पैसिवली एक्सेप्ट कर लिया शी इज पार्ट ऑफ दैट्रियल सोसाइटी यही कल्चर चलते आ रहे हैं ह्यूमन इमोशंस की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है रोल ऑफ की अगर बात करें मदर इन लॉ बिल्कुल ऑपरेसिव हैं खुद ही और मदर बिल्कुल वीक है शी इज नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन अगेंस्ट दीज सोसाइटीज़ मेरी सभी प्लेलिस्ट्स को देखिए और उसके साथ ही साथ आप पी डी एफ भी ग्रैप कर सकते हैं पी डी एफ से आपकी बहुत ही अच्छी रिविजन हो जाएगी आई हैव गिवन यू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड आर टी सीज प्रोवाइडेड की आप सभी वीडियोज को भी जरूर देखें तभी आप सब कुछ रिटेन कर पाएंगे गुड लक फॉर योर एग्जाम्स